आलू खट्टे वाले, दही वाले आलू, बहुत बढ़िया। ये तो जबरदस्ती है भाई। ये है चॉकलेट बर्फी, वाह। यहाँ पे ऐसे मालपुए बनते हैं, हमारे यहाँ गोल गोल होते हैं। 1920 से ये शॉप है और भैया थर्ड जनरेशन अब काम कर रही है। हमारा ऑर्डर बम्बे में भी गया था, कुलाबा में, अभी पिछले साल 2020 में लॉकडाउन में ही, लॉकडाउन के बाद उन्होंने हमें 100 पूड़ी का ऑर्डर दिया हुआ था, लेकिन 300 पूड़ी लग गया। और मुंबई के अलावा भी दिल्ली वगैरह में ऑर्डर लगते हैं ना, जलंधर, जलंधर तो बड़े काम होते हैं, महाराजा वगैरह, उधर लुधियाना में भी वेस्टर्न, लुधियाना वेस्टर्न होटल है वो, उधर वगैरह नाम नहीं अब याद नहीं आते। जिस पूरी की आशु भाई बात कर रहे हैं ना, उस पूरी को आज मैं खा रहा हूँ भैया। ये देखिए, ये है पूरी हमारी, और ये है छोले, और ये है आलू खट्टे वाले, दही वाले आलू, वाह। कुछ और बोलते हैं इसको, ओरिया, ओरिया, ओरिया बोलते हैं इसको, वाह भाई वाह। ये देखिए तो भैया, पूरी हमारे भटूरे ऐसी है, वाह, करारी करारी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। मसाले नहीं है, बड़े सिंपल छोले हैं, बच्चे भी खा सकते हैं इसको, बड़ी एज के भी लोग खा सकते हैं। अच्छा ठीक है आशु भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आशु भाई जा रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, और ये जो इनका आलू वाली सब्जी है, डोगरी, ये क्या बोलते हो नहीं, उड़िया, 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 वाह। ये तो ज़बरदस्ती है भाई, डोगरी फूड, वाह। सारा आइटम देसी घी का भैया, गाजर है, प्याज है, मीठी चटनी डाली है, खट्टी मीठी चटनी है, आहा मज़ा आ गया। मैं इस वक्त हूँ कहाँ पर, रावलपिंडी स्वीट्स में, जम्मू में, जैन बाज़ार में। 1920 से ये शॉप है, दादाजी ने काम स्टार्ट किया था, आज थर्ड जनरेशन है यहाँ पर। वो प्रवीण भाई खड़े हुए हैं, और दिखाता हूँ क्या क्या है। इनकी पूरी छोले तो मस्त है। प्रवीण भाई क्या हाल है, ठीक हो, बहुत बढ़िया। एक चॉकलेट बर्फी, थोड़ा धीरे धीरे करना उसको, हल्का सा, थोड़ा धीरे कर दो। ये है चॉकलेट बर्फी, थोड़ी सी तेज करा दीजिए मुझे ना, इसकी भी बड़ी डिमांड रहती है। देसी घी का आइटम है, और ये 12 महीने रहता है आपके पास, और ये अलसी के लड्डू हैं। ये सर्दियों में, ये चॉकलेट बर्फी कितने रुपये किलो है, 400 रुपये की है, वाह भाई वाह। ये देखिए, मैं खा रहा हूँ चॉकलेट बर्फी, जम्मू में, रावलपिंडी स्वीट्स की, हाँ हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं है, देसी घी का टेस्ट आ रहा है। इसमें चॉकलेट पाउडर भी डलता है क्या सर, फिर बर्फी का नाम बर्फी, हाँ मैं बोल रहा हूँ चॉकलेट का तो ऐसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा, सिर्फ खोया, खोया। और कलर में बस खोए को घी में खाली भुना जाता है, कलर थोड़ा सा देना पड़ता है इसमें, कलर देना पड़ता है, वाह। जलेबियाँ भी बन रही है, ये मालपुए भैया, वाह। यहाँ पे ऐसे मालपुए बनते हैं, हमारे यहाँ गोल गोल होते हैं, वो मलाई पूड़ा, हाँ हाँ, उसको मलाई पूड़ा बोलते हैं। अच्छा है, मैदे का टेस्ट है, जलेबी है भाई, वाह। चारा देसी की आइटम है दोस्तों, आओ बाहर ले आते हैं। ये देखिए, ये जैन बाज़ार है, सर एक सेकंड, ये जैन बाज़ार है, और ये है रावलपिंडी स्वीट्स, पुराना सा थोड़ा बोर्ड है, 1920 से ये शॉप है, और भैया थर्ड जनरेशन अब काम कर रही है। आंटी जी क्या लेने आए हो, जलेबी, क्या जलेबी लेने आए हो, क्या कड़ा, 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 वो क्या होता है, वो सीरा बोलते हैं। अच्छा हाँ, वो कितने टाइम से आ रहे हो यहाँ पे, कितने टाइम से आ रहे हो? मैं तो भैया, मैं इधर नहीं रहती हूँ, मैं तो बाहर से इधर आई हूँ। अच्छा, आपको किसने बताया यहाँ के बारे में? नहीं, मेरा ससुराल इधर है तो आते रहते हैं। रावलपिंडी स्वीट्स के बारे में, रावलपिंडी स्वीट, उसकी पूड़ी, छोले और खट्टे आलू, उसके सिवा कुछ नहीं। अरे वाह भाई वाह, मैंने खाए हैं, बहुत टेस्टी हैं। कैसे लगे आपको रोहित जी, आप खा रहे हैं चुपचाप चुपचाप बैठ के, बताया बता नहीं रहे हमें। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, कैसा टेस्ट है, बहुत अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कम मसाले, हर एज के लिए फिट एकदम। और ये अच्छी है काफ़ी सब्जी, आलू की जो बता रही है मैडम, मिलती है यहाँ खट्टे आलू,
यहाँ पे एक इनकी पंजीरी भी है प्रवीण भाई, ये जो पंजीरी है आपकी बड़ी फेमस है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सुंड बोलते हैं। थोड़ा दिखाना जरा एक बार, ये सुंड में हम देखने वाले हैं खा के, थोड़ी सुंड दिखाना। देखिए भैया और भी बहुत से आइटम है यहाँ पे, दिखाओ जल्दी से सौरभ। वाह ये है सुंड बोलते हैं ये, हाँ 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 भाई साहब मज़ा आ गया रावलपिंडी स्वीट्स पे आके जम्मू में। अभी हम थोड़ा सुन टेस्ट करेंगे और फिर बताएंगे आपको कैसा टेस्ट है इसका। तो भैया दो आइटम और फेमस है रावलपिंडी स्वीट्स की, एक पाक खजूर है ये देखिए बिस्किट टाइप लग रहा है, खा के देखते हैं, मीठा होता है हल्का मीठा। किस चीज़ का बनता है ये प्रवीण भाई? मैदे का है, हल्का मीठा एकदम क्रिस्पी, बहुत यूनिक आइटम है। और ये खाते हैं हम सुंड, ये देखिए सुंड पंजीरी होती है इनकी और ड्राई फ्रूट से लबरेज। गूंद भी है इसमें, काजू बादाम किशमिश खजूर, 800 रुपये किलो आइटम है भैया, बहुत बढ़िया ऑथेंटिक टेस्ट है, नेचुरल चीज़ है एकदम रियल। तो जम्मू है, जम्मू के आसपास है, इनके छोले पूरी, ये पाक खजूर और सुन जरूर ट्राई करें, और भी सारी आइटम इनकी अच्छी मिठाइयाँ अच्छी हैं। मेरे कहने से यहाँ पर ज़रूर आएँ जैन बाज़ार में रावलपिंडी स्वीट्स सिंस 1920। वीडियो कैसा लगा जल्दी से बताइए कमेंट करके, आपको कहाँ का खाना पसंद है, कहाँ की मिठाई पसंद है वो भी कमेंट करके बताइए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक और फॉलो कीजिए, बने रहिए किसी द फूड चैनल के साथ। थैंक यू।